फ्रेंड, मैं रुचि, आपकी गार्डनर दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपसे अपने वाटर प्लांट के बारे में कुछ बातें करूंगी। फ्रेंड, मैं अपना वाटर प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा वाटर प्लांट है। इस वाटर प्लांट को किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको इंडोर या आउटडोर दोनों रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अपने टेरेस पर रखा हुआ है। फ्रेंड, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे ख़रीदा था। फ्रेंड्स, इसको मैंने 120 रुपीज़ में ख़रीदा है, और मैं आपको इसको दिखाती हूँ, निकाल कर दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये देखिए, ये इस तरह से इसकी जड़ें होती हैं, और इसको हम डायरेक्ट ऐसी पानी में ग्रो कर सकते हैं। जब मैंने लिया था तो ये एक था, लेकिन अब इसमें 1, 2, 3, 4 कितने सारे बेबी प्लांट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड, कितने सारे बेबी प्लांट हो गए हैं। इस प्लांट को कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं है। जब थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो इसका पानी थोड़ा सा बढ़ा दो, या गंदा हो जाए तो हल्का हल्का ऊपर से हटा दो, आपका प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अब ये मेरा इतने सारे ग्रो हो गए हैं, ये पूरी बर्तन को ढक लेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। इसमें कोई भी खाद, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें नीचे मैंने सिर्फ रेता और मिट्टी ली है, और उसमें पानी डालकर बस डायरेक्ट इसको ग्रो कर दिया है। यहाँ पर हल्की सी धूप भी आती है। फ्रेंड्स, वैसे तो इसको आउटडोर भी रख सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा धूप की भी ज़रूरत है। धूप में रखने से मेरे इसके बेबी प्लांट 15 दिन में ही निकल आए, और मेरे को लगता है कि शायद ये 1-1.25 महीने के अंदर बहुत सारे इसमें बेबी प्लांट हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आप ही इस प्लांट को अपने यहाँ आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी काशी फल की बेल। फ्रेंड, ये देखिए, मेरी छोटी सी काशी फल की बेल है। इस पर देखिए कितना सुंदर काशी फल आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसे ही दिखाती हूँ मैं मेरी दूसरी भी काशी फल की ये वाली बेल है, और इस पर तो खैर अभी बहुत छोटा है। ये देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड, कैसे लग रहा है मेरा काशी फल का प्लांट, वाटर प्लांट? अपने सजेशन देते रहिएगा, मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, मेरी कृष्णा वाटिका को आगे बढ़ाइएगा। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बाय।